किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, मैंने आपको खाद प्रबंधन पर दो वीडियो दिखाई थी, अभी मुझे खाद पर दो एक्सपेरिमेंट और करने हैं। आपको पौधों में जितने भी अगर जीवाणु रखने हैं, जो मित्र जीवाणु होते हैं, तो उनके भोजन का और उन्हें मल्टीप्लाई करने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है, और ये आपके खेत में कार्बन की मात्रा भी बढ़ाता है, जो कि बहुत ही आवश्यक। साथियों, हम कहे किसी के भी कहे से, जैसे हम केचुआ खाद बनाने लगते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर से बनाने लगते हैं, उसमें रॉक फॉस्फेट डालने लगते हैं, हम जीवामृत से भी बनाते हैं, तो इन सब को क्या आपने कभी टेस्ट कराया है कि मुझे कितना फ़ायदा मिल रहा है? जैसे मैंने रॉक फॉस्फेट डलवाया, लेकिन उतनी मात्रा में मैंने बिल्कुल डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी के बताए हुए तरीके से बनाया, लेकिन मुझे उतनी मात्रा में उसमें फॉस्फोरस नहीं मिला, सोलेबल फॉस्फोरस, जो कि घुलनशील फॉस्फोरस कहलाता है। लेकिन खाद में दूसरे माइक्रोन्यूट्रेंट बहुत अच्छे थे, और वही लगभग उतने ही मेरे जो बायोकल्चर से बनाया था उसमें थे। फ़र्क दोनों में केवल इतना था कि इसमें बार बार मुझे डिकम्पोजर डालना पड़ता था, उसमें मुझे केवल पानी देना पड़ा। आप भी इस प्रकार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और आइए अब देखते हैं कि मेरा तीसरा प्रयोग इस पर क्या है। किसान साथियों, इस खेत को देखिए, इसमें ये 3 बीघे का खेत है, मेरे यहाँ 1 एकड़ में 6 बीघे होते हैं, और इसमें सरसों लगाई हुई है मैंने। इससे पहले इसमें धान था, जब धान कटा, जो 1509 बासमती थी, तो वो हाथ से कटवाई थी, और फिर मशीन से मैंने उसको मुंजी जो है उसकी अलग करवाई थी। उस मशीन में निकलने के बाद जो पराली बची थी, अधिकतर लोगों ने पराली जलाई है मेरे यहाँ पे, मैंने क्या किया, इस सारी पराली को देखिए, यहाँ पर मैंने इकट्ठा कराया, यहाँ से लेकर इस खेत के देखिए, इसका ये पूर्व का सिरा है और ये मेरी बाड़ है, ये मेरी बाड़ है। इसके किनारे लगभग 5 फीट पर मैंने पूरे 3 बीघे में वहाँ पर 5 फीट तक मैंने आधी पराली नीचे डलवाई। उसके बाद इस पर मैंने 4 ट्रॉली गोबर की मंगाई, फिर वो गोबर इस तरह से डलवाया, और उसके बाद जो शेष पराली थी वो डाल दी। ये जो सरसों है मैंने 15 या 16 तारीख अक्टूबर के आसपास लगाई थी, और उससे 10 दिन पहले मैंने ये खाद डलवाया था, यहाँ पर जो गोबर है वो डलवाया। आज मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उस लगभग 1.5 महीने बाद इस खाद की क्या हालत है। किसान साथियों, जब मैंने इसमें पलेवा किया था सरसों बोने से पहले, तो जब पानी दे रहे थे तो वो पानी मैंने इसके ऊपर कुछ डलवा दिया था। उसके बाद 2 बार बारिश हुई है, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, केवल इसको ढक कर रखा हुआ है। आज हम देखते हैं कि इस खाद की क्या हालत है। आइए किसान साथियों, ये देखिए, मैं पराली हटाता हूँ, आप ये देखिए, ये जो पराली है नीचे से, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, और ये भी लगभग बिल्कुल जो कमज़ोर हो चुकी, जो ऊपर वाली, अगर मैं इसमें वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करता तो और भी कमज़ोर हो जाती, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। और जो किसान भाई पराली जलाते हैं, उसकी बजाय अगर आप कुछ भी नहीं करते, उसको इकट्ठा कीजिए, और ये देखिए, ये मैंने इसमें कुल 10 दिन पुराना गोबर जो मैं मंगाता हूँ सहारनपुर में डेयरी से, ये देखिए, आप इसकी खाद की हालत देखिए, आज ये देखिए, चूँकि अभी 6-7 दिन पहले बारिश हुई थी बहुत अच्छी, ये इसमें पर्याप्त नमी है, और देखिए अभी अगर हम और नीचे इसको खोदेंगे, ये देखिए, तो थोड़ा कच्चा उसमें मिलेगा। किसान साथियों, इसमें मैंने कोई डिकम्पोजर, कोई बायो एजेंट कुछ भी नहीं डाला, तो ये मेरा ये एक्सपेरिमेंट है कि अभी इसमें ये लगभग फरवरी के अंत ये में ये सरसों कटेगी, उस वक्त मैं इस खाद को सारे खेत में फैलवा दूंगा, और इसमें मेरा केला लगाने का विचार है। उस टाइम ये खाद कैसा होगा, अभी 1.5 माह में है, अभी इसमें 2 माह और बचेंगे, और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस खाद का सैंपल लेकर लैब में फिर टेस्ट कराऊंगा, और ये देखूंगा कि इसमें नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है,
पोटास कितनी है और जो दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बने हैं वो कितने हैं। ये होगा मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंट, जबकि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन किसान साथियों, मेरा एक आप लोगों से निवेदन है, जो भी गोबर होता है उसको एक गड्ढे में इकट्ठा कीजिए, उसे हमेशा ढक कर रखिए। अगर आपके पास जानवरों का पेशाब है या कोई भी चीज़ है, घर में मट्ठा होता है उसमें थोड़ा सा अगर गुड़ मिलाकर उसके ऊपर डालते रहेंगे, लेकिन ढक कर रखिए, बहुत ही अच्छी। इसका रिजल्ट मैं आपको फरवरी के अंत में साझा करूँगा टेस्टिंग के साथ में। एक मेरा और एक्सपेरिमेंट करने का विचार है कि अब की बार मैं 2 ट्रॉली खाद मंगाऊंगा फरवरी के अंत में, और मेरे को वो खाद चाहिएगी जून में, जब बारिश होने से पहले मैं अपने पौधों में लगाऊंगा। उस खाद में मैं जीवामृत प्रयोग करूंगा। जो मैं जीवामृत बनाता हूं, तो जब मैं वो गोबर डालूंगा उस पर मैं जीवामृत का प्रयोग करूंगा और वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। और जब उसकी खाद बन जाएगी जून के अंत में, फिर उसे लैब में टेस्ट कराऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि इन चारों खादों में क्या फ़र्क है, तब आप तुलना कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स हैं वो सब मेरी वेबसाइट पर, जो अभी की रिपोर्ट्स हैं पहली 2 रिपोर्ट वो वेबसाइट पर पड़ी हैं, ये भी होंगी और अंत में वो भी होंगी, और आप ये देख सकेंगे कि वैज्ञानिक रूप से भिन्न प्रकार से खाद तैयार करने से हमें किस गुणवत्ता की खाद प्राप्त होती है और इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। किसान साथियों, जो भी मैं बताता हूँ आप उसका एक्सपेरिमेंट करें, और जो भी दवाई या कोई नई चीज़ मैं बताता हूँ उसे कभी भी अपने पूरी फसल पर प्रयोग न करें। 5-10 दिन के लिए आप उसे एक छोटे से एरिए में अवश्य करके देखें, या अगर आपके 100 पौधे हैं तो 5 पौधों में करिए, 1000 पौधे हैं तो 10 या 20 पौधों में करके देखिए, या खेत में करके देखिए। आप थोड़ी सी खाद बनाइए, आप 2 क्विंटल गोबर लेकर, 2-2 क्विंटल लेकर भिन्न भिन्न तरीके से बनाइए और उसे लैब में टेस्ट कराकर एक बार ये देखिए कि जो हम कर रहे हैं क्या उससे हमें उतना फ़ायदा मिल रहा है जितना खर्चा हम कर रहे हैं। किसान साथियों, अगर हमारा खर्चा ज़्यादा होगा और उतनी हमें आमदनी या गुणवत्ता नहीं मिलेगी, उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे 2.5 साल हो गए हैं बागवानी करते करते। अब मेरा ध्येय या उद्देश्य केवल ये है कि भिन्न प्रकार के प्रयोग करके किस प्रकार हम बागवानी में अपनी लागत को कम कर सकते हैं और अधिक फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।